फ्रेंड्स, आज मैं नवरात्रि स्पेशल हलवा पूरी और लाल चने बनाऊंगी। ये माता का प्रसाद होता है, माता को ये प्रसाद बहुत पसंद होता है। हर घर में अष्टमी और नवमी के दिन ये प्रसाद बनती है। कोई अष्टमी को बनाते हैं और कोई नवमी को बनाते हैं और माता का भोग लगाते हैं। आप भी इस भोग को जरूर से बनाइएगा और हमारे तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए इस भोग को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चना बना लेती हूँ। चना बनाने के लिए मैंने ये लाल चना लिया है, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। अब ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये फूल चुका है पानी में। अब इसे मैं थोड़ा साफ पानी से धो लेती हूँ। इसे मैंने साफ पानी से धोकर इसके सारे पानी को मैंने निकाल दिया है। अब गैस पर मैं एक कुकर चढ़ाऊंगी। गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। अब इसमें थोड़ा हम तेल डालेंगे। मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम दो तेजपत्ता डाल देंगे, दो लाल मिर्च डाल देंगे, ये थोड़ा जीरा है इसे भी डाल देंगे हम। देखिए जीरा हमारा चटकने लगा है। अब इसमें हम चना को डाल देंगे। इसको अब हम थोड़ा चला लेंगे और गैस के फ्लेम को हम तेज़ी रहने देंगे। ये चना हमारा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। इसे बिल्कुल सूखा बनाना है। ये देखिए टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा नमक दूंगी। ये प्रसाद का है इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। ऐसे आप चाहें तो दालचीनी भी दे सकते हैं। ये थोड़ा हल्दी। अष्टमी और नवमी के दिन ये माता का प्रसाद के रूप में ये चना बनता है। आप भी हमारे इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब ये थोड़ा धनिया दे रही हूँ। मसाला सब आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब देना है। ये लाल मिर्च का पाउडर मैंने दिया है। अब थोड़ा चला लेंगे इसको। इसे चलाते हुए 5 मिनट भूनेंगे। इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया है और इसे मैंने 5 मिनट करीब भून लिया है। अब इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। पानी खूब ज़्यादा नहीं देना है, बस चना हमारा डूब जाए उतना ही पानी दूँगी, क्योंकि इसे मैं सूखे चने बना रही हूँ ना। और अब मैं इसके ढक्कन को लगा के इसमें 3 से 4 सीटी आने दूंगी। इसके ढक्कन को लगा देती हूँ और गैस के फ्लेम को तेज़ी रहने देंगे और 3 से 4 सीटी आने देते हैं। चना हमारा पक रहा है, तब तक मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ। यह मैंने थोड़ा आटा लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस नॉर्मल पानी से ही मुझे आटा गूँथना है। ये आटा मैं थोड़ा टाइट गूँथूँगी। आटा मैंने गूँथ के तैयार कर लिया है। देखिए इसे मैंने टाइट आटा लगाया है। अब इसे थोड़ा देर इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और कुकर की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कुकर में भी अब कई सीटी आ गई है। अब कुकर वाले गैस को भी बंद कर देती हूँ और जब तक कुकर हमारा ठंडा होगा मैं हलवा बना लेती हूँ। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई को रखा है। अब इसमें घी डालेंगे। हलवा में मैं बड़े चम्मच से 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। हलवा में घी थोड़ा अच्छी तरह से लगता है। ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। आप कभी गुरुद्वारे जाते हो तो वहाँ पर आपको हलवा खाने को मिलता है ना प्रसाद में, ये हलवा वैसा ही होगा। हलवा बनाने के लिए मैंने ये 1/2 बाउल आटा लिया है। आपको जितना हलवा बनाना हो आप उसी हिसाब से आटा ले लीजिएगा। आटे के साथ साथ मैं इसमें 2 चम्मच सूजी भी डाल रही हूँ। सूजी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब सारे को मिलाकर लो फ्लेम पे इसे सेकना है। हलवा आप जितना अच्छा सेकेंगे आपका हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। तेज़ फ्लेम कर देंगे तो वो ऊपर से लाल लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रहेगा। लो फ्लेम पर भूनते हैं तो इसकी सौंधी सौंधी खुशबू पूरा घर में फैल जाती है। जब आप इसमें डालिए आटा और आपको घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दीजिएगा, क्योंकि हलवा में घी अच्छा तरह से होता है, तभी हलवा हमारा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे लो फ्लेम पे भुनेंगे। इसे भुनने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। आप अष्टमी नवमी के प्रसाद में हलवा इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह से तो इसमें से बहुत सी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उससे समझ में आ जाता है कि हमारा आटा भुन गया है। आप चाहें तो केवल आटा का भी बना सकती हैं, उसमें सूजी मत डालिए, लेकिन मैं थोड़ा सूजी डाल देती हूँ, इससे ये बहुत टेस्टी बन जाता है। इसे सेकते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अभी इसे 5 मिनट और इसी तरह से सेकेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है। घी की मात्रा भी हमारी बहुत अच्छी तरह से है। इसमें देखिए आटा हमारा भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ में सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फिर इसे चला लेंगे। बहुत लोग इसे सीरा भी कहते हैं। थोड़ा पानी और डाल देंगे। ये मैंने पानी डाल दिया है और इसे थोड़ा तेज़ी से चलाएंगे, नहीं तो इसमें हलवा में हमारे गांठे पड़ जाएंगे। 1/2 बाउल से थोड़ा अधिक मैंने चीनी लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप और डाल दीजिएगा। थोड़ा चीनी और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। उसमें से मैंने इतना सा बचा लिया है। फिर इसे चला लेंगे।
देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने कुकर को हम देख लेते हैं। एक दाने को हाथ से दबा के देख लेंगे, चना हमारा बन गया है, पक गया है। देखिए कितना अच्छा हमारा चना तैयार हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी है, उसे थोड़ा सा मैं गैस पर रखकर सुखा लेती हूँ। ये मैंने थोड़ा गरम मसाला लिया है, इसे भी इसमें डाल देते हैं और फिर से एक बार चला देंगे। ये मैंने एक चम्मच बेसन लिया है, इसे चना पे डाल देंगे। थोड़ा सा हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और डाल दूंगी। धनिया पाउडर मैंने पहले भी डाला था लेकिन थोड़ा सा भी और डाल रही हूँ। थोड़ा मिर्च भी डाल रही हूँ, हल्का हल्का थोड़ा सा और ऊपर से डाल दूंगी ना, तो ये मसाले में लिपट जाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और ये थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। ये अमचूर पाउडर हमारा घर का बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी है। अब एक बार फिर से हम सारे को एक साथ मिला के चला देंगे। बहुत अच्छा चना बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़ा सा बेसन दे दिया तो देखिए चना में कितने अच्छे से मसाला लिपट गए हैं और बहुत अच्छा ये देखने में लग रहा है। अब बिल्कुल सूखा है, देखिए है ना, बहुत अच्छा बना है। ये चना भी हमारा बन के तैयार हो गया है और इसके ढक्कन को लगा कर कुकर को मैं 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ, थोड़ा ये भाप से और पक जाएगा। चना हमारा बन के तैयार हो गया है, हलवा भी हमारा बन के तैयार हो गया है, आटा भी तैयार है। आटा को बस अब थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। घी तेल आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉरी मैंने भी तेल डाला है। अब आटा को थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। आटा को मैंने बिल्कुल चिकना कर लिया है, देखिए बहुत अच्छा हुआ है। आटा हमारा अच्छा चिकना रहेगा तो इसकी पूरी भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़ी बना लूँगी। आपको जितना बड़ा बनाना हो आप उस हिसाब से इसके पेड़े तैयार कर लीजिएगा। अब इसे गोल गोल कर लेती हूँ ताकि बेलने में आराम रहे। सारे के मैंने गोले तैयार कर लिए हैं, अब इसे बेल लूँगी। और गैस पर मैंने पहले से ही, देखिए तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसी में मैं अपने पूरी को छानूंगी। तेल हमारा गर्म हो रहा है और इधर मैं पूरी बेल लेती हूँ। गोल गोल पूरी मैंने बेल लिया है। माता का बहुत अच्छा प्रसाद मैंने तैयार किया है, आप ऐसे भी कभी बना के खाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन तो प्रायः सभी लोग कोई अष्टमी को बनाते हैं और कोई नवमी को बनाते हैं। माता का ये प्रसाद चना पूरी और हलवे का। तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए मैं एक छोटे से आटा के पीस को डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं पूरी डालकर छान लूँगी। एक एक पूरी डालती हूँ। कितना अच्छा हमारा पूरी भी बन गया है, हलवा चना पूरी। आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। इसे मैं दूसरे प्लेट में निकाल देती हूँ। प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है। सबसे पहले मैं इसमें मीठा डाल रही हूँ, मीठे से ही शुरुआत कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा मीठा हमारा बना है, बहुत ही अच्छा। आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें मैं चना डाल रही हूँ। चना भी देखिएगा कितना सूखा और कितना अच्छा बना है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, बहुत अच्छा बना है। और अब इसमें मैं गरम गरम पूड़ियाँ रखूँगी। देखिए कितना अच्छा माता का प्रसाद का ये प्लेट बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आप भी अष्टमी नवमी के दिन ये प्रसाद बनाइएगा और अपनी दुर्गा माता को भोग लगाइएगा। और सब कोई जब ये प्रसाद खाएंगे तो कहेंगे वाह कितना टेस्टी बनाया है। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली और भी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली और भी अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।